फरुखाबाद बब भूमि को लेकर घमासान। निर्माण कार मामले में फरुखाबाद सांसद ने भी शिया सेंट्रल बब बोर्ड के चेयरमैन से की शिकायत। बब बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने दिए जांच कर कार्रवाई के आदेश। मामला ठंडे बस्ते में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फरुखाबाद शहर के लोहाई रोड स्थित भारतीय पाठशाला के निकट भूमि को लेकर घमासान छिड़ा है। बीती 23 जून 2023 को फरुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत व काजी जफर शाह रिजवी ने बब संख्या T175 हकीम अकबर हुसैन लोहाई रोड पर अवैध कब्जे के संबंध में उत्तर प्रदेश सिया बब बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी सैयद हसन रजा रिजवी से शिकायत की, जिस पर 6 जुलाई 2023 को प्रशासनिक अधिकारी ने जिलाधिकारी व अपर बब आयुक्त को जांच कराने को कहा और जिसके बाद घमासान छिड़ गया है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल भूमि पर निर्माण कराने वाले पूर्व MLC से उनका पक्ष रखने को लेकर हमारा संपर्क नहीं हो पाया और वह जल्दी ही अपना पक्ष रखेंगे, परंतु शिकायतकर्ता काजी जफर शाह रिजवी ने कई आरोप लगाते हुए यूपी 76 न्यूज को बताया। ये क्या मामला है और किसको लेकर इतनी कोताहियां चल रही हैं? वो एक वक्फ जायदाद है जो 7 जुलाई 2026 की हकीम अकबर हुसैन खां जी ने की थी और वो लोहाई रोड पर स्थित है और उसका वक्फ नंबर 175 शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज है जी। उसके हम मैनेजर हैं। उस पर किसी बैनामे के जरिए या कैसे मनोज अग्रवाल का कब्जा शुरू हुआ 2015 में मेरे सामने। मैं 24 नवंबर 2015 को शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से इसका मैनेजर बनाया गया वसीम रिजवी के ज़माने में जी। और मैंने पहली कंप्लेंट 7 दिसंबर 2015 को इनके ख़िलाफ़ की जी। जिस पर वहाँ से रोक का आर्डर आया और यहाँ के उस वक्त के सब इंस्पेक्टर मिस्टर गुप्ता ने तिकोना इंचार्ज जाके इनसे कागज़ मांगे, नहीं दिए तो उसको कहा गया भैया ये 3 दिन में कागज़ दिखा दीजिएगा वरना इस पर कार्रवाई खुदाई अब निर्माण नहीं होगा जी। कहें ठीक हम दिखा देंगे, कागज़ इन्होंने नहीं दिखाए कहीं भी। फिर ये मसला चलता रहा, इनको फिर नोटिस भेजा गया बेदखली का, 54 की कार्रवाई हुई, उसको ये लटकाए रहे। 2021 में इन्होंने अचानक जा कर के 2 बैनामे दिखाए, 3। एक दिखाया 1962 का बैनामा जो हादी हसन ने किया था किसी लक्ष्मण साथ को जी। और उसी बेस पर 2 बैनामे 2002 भी इन्होंने कराए हैं, 2002 या 2003 में 2 बैनामे लक्ष्मण साथ से मधुप अग्रवाल और श्री मनोज अग्रवाल उत्तरकांड स्वर्गीय विष्णु स्वरूप अग्रवाल के नाम 2 बैनामे 2 किताब बैनामे अलग अलग हुए हैं उसी प्रॉपर्टी को। जो प्रॉपर्टी साथ जी ने 1962 में खरीदी है 9000 में, वो प्रॉपर्टी 2026 में 20,000 रुपए की मालियत थी अंग्रेजी ज़माने में, तो 1962 में उसकी कीमत घट के 9000 रह गई। और वही बैनामा जब 2002 में इनके नाम हुआ तो उसके बाद इन्होंने उसको कई लाख रुपए में 2 बैनामे लिए हैं जिनके जिसकी हद में उत्तर में भारतीय पाठशाला लिखा है। वो बैनामा हमने वहीं बोर्ड में देखा था, इन्होंने जब दाखिल किया तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया और ये कहा गया आपके खिलाफ 54 के नहीं अब 52 की कार्रवाई मुतवल्ली चाहे कर सकता है या आप किराएदार बन जाइए। तो ये वहां से गया, चले हमने तो खरीदा है, हमें क्या मालूम वक्फ है कि नहीं है, हमने तो साथ जी से खरीदा, साथ जी ने उनसे खरीदा है, ये कह के चले आए थे। बोर्ड में ये मसला चलता रहा, बोर्ड डिजॉल्व हो गया था, फिर बोर्ड जो दोबारा बना है तो सैयद अली दैदी 8 जनवरी 2022 को आए थे यहाँ, तो हमने इन्हें मौके पर सब दिखाए थे 34 वक्त, उसमें ये लोहाई रोड वाला भी दिखाया था इसको। उस वक्त रात को ताला खुला हुआ था, शाम को 5 बजे गए थे पानी बरस रहा, तो उन्होंने घुस के देखा भी था चेयरमैन ने, खुद शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली दैदी उनकी टीम यहाँ आई थी देख गई थी। उसके बाद ये नमस्ते करने के लिए कई दफ़ा गए, वहाँ कोई पैकर हैं उनसे इन्होंने सांठगांठ की और उस पर ये पक्के पे भी 17 जून 2023 को इनमें निर्माण कार्य और खुदाई शुरू कर दी, इन्होंने अंदर से बना रहे थे इधर से खोद रहे थे। तब हमने कंप्लेंट की थाना दिवस में, वो तहसील दिवस में, तो उस दिन कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, श्रद्धा पांडे बैठी हुई थी, वो फॉलन हो गई था, वो इनसे एम्प्रेस है क्या है, बहरहाल उनको हमने दिया था। फिर हमने शासन को रिपोर्ट कर दी और श्रद्धा पांडे को 500 को नोटिस दे दिया। मतलब इतने कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर आगे कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अब जिला प्रशासन
क्या इनके आगे नतमस्तक है क्या है ये हमें नहीं मालूम। 22 जून को हमसे सांसद ने पूछा क्या मामला है आपका, हमने कहा था मामला ये हमारी युवक प्रवृत्ति, ये तो जुनून है। तो उसने एक लेटर लगा करके मुख्यमंत्री को भेजा और वही एक कवरिंग लेटर के साथ उसको भेज दिया शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। तो वहाँ से एक लेटर 7 जुलाई को आया है जिलाधिकारी के नाम, अपर वक्फ आयुक्त और संख्यक कल्याण अधिकारी फरुखाबाद और पुलिस प्रमुख फरुखाबाद कप्तान के लिए, और मेरे पास एक कॉपी भेजिए, आप संबंधित अधिकारियों से मिलकर प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएं कार्रवाई से अवगत कराएं। तो अभी तक कोई कार्रवाई विद्यालय प्रशासन ने नहीं की है और मैं एडिशनल उनसे भी मिला था एडीएम साहब से प्रजापति साहब जो खनन के जिम्मेदार हैं, मैंने कहा उसमें खनन हो रहा है, हजारों ट्राली वहां से जा रही है, मट्टी खुद रही है, मलबा जा रहा है और जेसीबी नगर पालिका की लगी रहती है और 3 बजे के बाद कूड़ा उठाने वाले ट्रैक्टर उसको मलबा इधर उधर करते हैं, रात भर काम हो रहा है, आप उसको रुकवाएं। चले हाँ मैं देखता हूँ, आराधना शुक्ला भी थी, आज प्रभारी आई हुई थी तो कमिश्नर का मुआयना था, वो सब बिजी थे, मैंने कहा था तो पहले मैं देखूंगा, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मैं देखूंगा, तो अब क्या देखेंगे अब हम क्या बताएं। नहीं, ऐसी कौन सी कूटनीति इस्तेमाल करी गई जो बैनामा हो गया? कूटनीति क्या, उस वक्त कोई आईडी लगती नहीं थी, सब ऐसे ही हो जाता था, बासठ कोई जायदाद किसी की बेच दे, किसी फर्जी को खड़ा कर दिया, क्योंकि हरी हसन खान तो के बाप ही चले गए थे यहाँ से, दादा चले गए थे 1926 में धौलपुर, वहां रियासत के वजीर थे धौलपुर रियासत में, और अपनी सारी जायदाद यहाँ वक्त पर चले गए, तो ये ना यहाँ रहे ना यहाँ मरे, फिर किसने बैनामा कर दिया, किसने बैनामा कर दिया, वो बिल्कुल फर्जी है बैनामा, और उन्हीं उसी बैनामे के बेस पे सात जी ने 2 बैनामे कर दिए, एक बैनामा सात जी को 9,000 का हुआ, सात जी ने कई लाख रुपए में 2 बैनामे इन दोनों भाइयों के नाम किए, और उसी के एक पोर्शन पर हकीम सैयद अकबर हुसैन हमारे किराएदार 1944 से टिल द डेथ रहे हैं, 2000 में उनका इंतकाल हुआ है, हकीम अतर हुसैन साहब जिनकी वल्दियत है सैयद याकूब हुसैन जी, वो 10 रुपए महीना यानी 120 रुपए साल के किराएदार थे टिल द डेथ, उस वक्त तक कोई बैनामा सामने नहीं आया न कब्जा करने आया, जब वो मर गए हैं 2000 में तो 2002 में इन्होंने बैनामा सात जी से 2 बैनामे कराए और 17 में काम शुरू किया। धमकी देने अभी वाहिद अली आए थे कि समझ लो भाई अपने मामला समझ लो, वाहिद अली थे, उनके साथ राशिद डॉक्टर का भाई था अखलाक का लड़का जो सीरत कमेटी में अपने को पैगंबर कहता है जी, ये लोग आए थे, एक आध और हमें तहसील में मिले, हम बैठे थे अपने काम से गए हुए थे गुप्ता के ऑफिस में, हम बैठते भी हैं तो कहने भाई समझ लो ऊंचा नीचा अब अपने को बहुत याद अनर कनर रखो, वरना हमको पूर्व एमएलसी ने कह दिया कि अगर ये नहीं मानेंगे हम दफा 500 को मुकदमा करेंगे, हर तरह से निपट लेंगे। कह रहा हूँ मनोज अग्रवाल साहब के से प्रेरित हैं, कुछ उनके हमदर्द हैं, कुछ लालच में हैं और वो हमको धमकाना चाहते हैं, तो ये समझते हैं कि शायद हम कमजोर हों, ना हम मुतवल्ली घेर वालों की तरह हैं, ना अदादार वैदी हैं जो फर्जी वसीयत करते हैं उनको उर्मिला को जैसे उन्होंने की। अगर आज मानवेंद्र सिंह साहब जिला अधिकारी होते तो कार्रवाई कोई दूसरी होती, मनोज अग्रवाल कहीं किनारे बैठे होते, क्योंकि उर्मिला राजपूत के खिलाफ उन्होंने माफिया घोषित किया, गौरहरी को किया 185 में 184 में, वो शिया वक्फ बोर्ड की दोनों जमीनों पर ये लोग कब्जा ऐसे ही किए हुए थे फर्जी वसीयत और फर्जी बैनामों पर, लिहाजा उन्होंने माफिया को कार्रवाई की और ऑनरेबल हाईकोर्ट से भी बेल नहीं मिली है। तो अगर वो होते तो कुछ और होता, प्रशासन क्या करना चाहता है क्या है लाइन ऑर्डर क्या होता है मैं नहीं मालूम। अच्छा, अगर मान लो प्रशासन या लाइन ऑर्डर जो है इसी तरीके चलता रहा तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट जाऊंगा, अभी ट्रिब्यूनल जाऊंगा, पहले तो वक्फ बोर्ड में कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के बाद ट्रिब्यूनल बना हुआ है उत्तर प्रदेश, उसके बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट है जी, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा। अगर इस बीच में कोई घटना घट गई, फिर घटना घटती है तो जिम्मेदार यही होंगे पूर्व एमएलसी जो कब्जेदार हैं जायदाद के, नाजायज कब्जेदार, और जो धमकी दे गए वो जिला प्रशासन जिम्मेदार है, मैं सबको बता चुका हूँ, लिख के दे चुका हूँ।